गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आई एम प्रदीप दुबे, प्रेजेंट साइंस टीचर। हियर लेसन 6, न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। न्यूट्रिशन मींस पोषण, जैसा आप जानते हैं वी गेट अवर न्यूट्रिशन फ्रॉम अवर फूड। डेफिशिएंसी डिजीजेस, इफ वी गेट नॉट अवर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इन अवर डाइट, then we may suffer from deficiency diseases, जो कह सकते हैं body में nutrients की कमी से। जो इस chapter में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, जो deficiency diseases हैं और nutrition क्या है। Right, how we get our proper nutrition, हम अपना proper nutrition कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, so students, फूड क्या है? व्हाट इज फूड? फूड फूड के बारे में अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे फूड इज अवर बेसिक नीड, या हमारी बेसिक नीड है। वी कैन नॉट लिव विदाउट फूड, हम बिना भोजन के नहीं रह सकते हैं। बिकॉज फूड गिव अस एनर्जी, क्योंकि फूड हमें एनर्जी देता है। और सो फूड इज अवर बेसिक एंड एनर्जी, वी नीड एनर्जी फॉर परफॉर्म अवर बेसिक वेरियस एक्टिविटी, राइट। सो फूड इज अवर बेसिक नीड, राइट। एंड फूड अगर हम बोले कि न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, व्हाट हम अगर यहाँ पर पूछें कि व्हाट इंक्लूडेड इन अवर फूड, तो हियर सिक्स थिंग्स आर इंक्लूडेड इन अवर फूड। Six things. या कह सकते हैं दीज आर न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, या कंपोनेंट ऑफ फूड, व्हाट यू लाइक टू से। जनरली वी कैन सी दी न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। इफ वी गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देन वी गेट इट और हेल्दी, इफ वी मे नॉट गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देन वी मे सफर फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीजेस, राइट। सो स्टूडेंट, हियर प्रोटीन, इफ समवन आस्क्ड यू हाउ मेनी न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, यू कैन सिंपली आंसर हिम हियर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर एंड लिपिड्स आर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड, राइट। सो दैट यू कैन प्रोटीन, so as so we first talk about first nutrients, protein. What is protein? To understand about the nutrients of protein, so protein are the nutrients that help to make new cells. ये new cells in body में हमारे नए cells बनाने में मदद करता है। ये our body growth is responsible due to protein. If we eat less protein in our diet, then our growth will be not much more, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। So it is responsible for growth, ये हमें growth provide करता है, and it also repairs damaged cells in our body. प्रोटीन इंक्रीज और मेंटल पावर, हमारे मानसिक शक्ति को भी बढ़ाता है। दे गिव अस द पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, ग्रोइंग चिल्ड्रन शुड बी गिवन अ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन। और ये किस डाइट में पाया जाता है? जैसे मिल्क, पल्स, मिल्क, या हम देख सकते हैं एग्जाम्पल में मिल्क, रिच इन प्रोटीन, पल्स, दाल ज्यादा पाया जाता है, स्पेशली सोयाबीन। सोयाबीन में अगर आज पूछा जाए कि नेम द पल्स जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होता है, तो आई थिंक इट्स आंसर इज पल्स, सोयाबीन। सोयाबीन जो दाना आता है, अगर आप उसको भिगो कर खाते हैं तो अधिक से अधिक मात्रा में आपको प्रोटीन मिलेगा। स्टूडेंट्स जो थोड़े से जिनका ग्रोथ
नॉट फेवरेबल है, इज नॉट फेवरेबल देन ही मस्ट ईट सोयाबीन सीड डेली आफ्टर वेटिंग इट राइट. Then you can get the proper amount of protein nutrients. Egg, cheese, nut, example. Egg, cheese means paneer, cheese, nut. Nut आप लोग खाते हैं, diet में दिया जाता है. Meat, chicken, it is it. अब मैं बात करूंगा सेल्स. सेल्स क्या होता है? इट इज एन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. इट इज एन एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट्स है. हम कह सकते हैं एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स. एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स देता है, एनर्जी देता है. एनर्जी में ऊर्जा, ताकत. कार्बोहाइड्रेट गिवर्स इंस्टेंट एनर्जी, यानी तुरंत एनर्जी देता है. दे आर शुगर एंड स्टार्च. शुगर और स्टार्च से मिले होते हैं. दे वर्क एज अ फ्यूल इन बॉडी, हमारे शरीर में फ्यूल के रूप में काम करते हैं. ईंधन है. राइस ब्रेड पोटैटो, राइस में पाया जाता है. जितने भी सेल्स हैं उसमें पाया जाता है. राइस ब्रेड में आप लोग खाते हैं. ब्रेड पोटैटो में भी पाया जाता है. पोटैटो आप लोग खाते हैं. और शुगर केन, हनी. शुगर केन में भी होता है. शुगर केन, हनी. हनी भी आप लोग जानते हैं. हनी शहद में भी पाया जाता है. उसमें से भी एनर्जी मिलती है. डेट सेल्स, डेट खजूर उसमें भी पाया जाता है. सेल्स जितने भी हैं सेल्स हैं उसमें पाया जाते हैं. और इसमें पाया जाते हैं ये जब एनर्जी गेविंग फूड. अब हम बात करेंगे फैट की. फैट क्या है? फैट आलसो गिवर्स एनर्जी. दिस इज आल्सो गिवर्स एनर्जी. एनर्जी गेविंग लेकिन ये ज्यादा एनर्जी देता है. गेट मोर एनर्जी, डबल एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. ये जो है उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देता है, एनर्जी देता है. बहुत कम थोड़ा सा ही डाइट करेंगे तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रहता है. ये कह सकते हैं ये ज्यादा एनर्जी देने होता है. जैसे मिल्क हो गया, बटर. बटर आप लोग खाते हैं. बटर, घी. घी आप लोग खाते हैं बेसिकली. उसमें ऑयल, ऑयल आलमंड. आलमंड में भी पाया जाता है. ठीक है. कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल. बहुत से सोर्सेस हैं जहाँ से हम पा सकते हैं. मीट में भी पाया जाता है. मीट में भी पाया जाता है. अब मैं बात करूंगा विटामिन की. विटामिन क्या है? ये प्रोटेक्टिव फूड है, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स है. दीज आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स दीज आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स. और दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सेवरल डिजीजेस, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं. दे आर लिमिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, इनको हमें बहुत थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है. बॉडी डज नॉट गेट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विटामिन वीक एंड फॉल से. यदि जो है बॉडी हमारा नहीं बनता तो वीक एंड फॉल, वीक एंड फॉल से हम बीमार हो सकते हैं. इसके जो सोर्सेज हैं फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. फ्रेश वेजिटेबल्स बोलते हैं. फ्रेश वेजिटेबल फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट.
fruits, right? और there are several types of vitamins, जो हम कई प्रकार के होते हैं. There are named as vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, potassium. Right? अब हम बात करेंगे minerals. और minerals की यहाँ मेंटल ग्रोथ के लिए और हेल्दी एंड फिट रहने के लिए ये जरूरी होते हैं मिनरल्स. और बॉडी रिक्वायर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स टू स्टे हेल्दी एंड फिट. इफ वी वांट टू बी हेल्दी एंड फिट देन देयर विल बी मिनरल्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट और थोड़ी सी मात्रा में उनकी भी जरूरत होती है. अगर नहीं है तो उनकी कमी से भी लोग होते हैं. जैसे आयरन मिनरल्स होता है, आयरन कमी से एनीमिया होता है. एनीमिया आप जानते हैं बॉडी ब्लड में जो हमारे हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, यानी आयरन की कमी हो जाती है, उसकी कमी के कारण एनीमिया हो जाता है. और एनीमिया में व्यक्ति कभी कभी डेथ भी हो जाता है. तो सो आयरन मिनरल्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू बी फिट एंड हेल्दी. और ये किसमें पाए जाते हैं, ये जैसे देखिए बॉडी को हमारी किसी किसी जरूरत होती है, यानी टू स्टे एंड फिट. टू स्टे हेल्दी एंड फिट रहने के लिए जरूरत होती है. और इसमें हमारे बॉडी को कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस पोटेशियम आयोडीन एंड आयरन की जरूरत होती है, जो हमें मिल्क फ्रूट और वेजिटेबल्स से मिलते हैं. मिल्क फ्रूट और वेजिटेबल्स से मिलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स से प्राप्त होते हैं. राइट, मिल्क एक ऐसा है जिसमें विटामिन सी सभी नहीं पाया जाता, जो बाकी सारे चीजें कंप्लीट फूड होता है. जनरली देखेंगे मिल्क मिश्रण में मिलाया जाता है, इसलिए मिल्क को हम कंप्लीट फूड भी कहते हैं. राइट, अब मैं वाटर एंड अदर्स के बारे में बताऊंगा. वाटर एंड अदर्स डिसाइड न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली पूछा जाए तो फाइव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी वाटर एंड अदर्स होते हैं, इनके बारे में जानेंगे क्या होता है. डिसाइड न्यूट्रिएंट्स और बॉडी रिक्वायर्स एट द सेम वाटर सरफेस. वाटर एंड अदर्स, यू मस्ट नो दैट ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर. भारत हमारे शरीर का लगभग टू अपॉन थ्री बॉडी इज मेड ऑफ वाटर. इनमें से बना है मेड ऑफ वाटर, यानी पानी से बना है. इसलिए वाटर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अवर बॉडी. वाटर हमारे बॉडी के लिए जरूरी होता है. ब्लड विच इज गो सफिशियंट फॉर अ पर्सन कैन नॉट ब्लड गो सफिशियंट अनदर पर्सन. सो ऑल ब्लड कैन नॉट इज द सेम टाइप्स ऑफ ब्लड. इफ द डेड पर्सन साइज इज नेचर ऑफ अवर एम्प्लॉयमेंट क्वांटिटी. रफेस क्या होता है, यू मस्ट नो दैट ऑलमोस्ट टू थर्ड ऑफ अवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर. इट हेल्प्स इन डाइजेशन. वाटर जो डाइजेशन को इजी करता है और हमें जो है प्रतिदिन 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर पीना चाहिए. रफेस क्या है, रफेस इज अ पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय द बॉडी, जो बॉडी के द्वारा डाइजेस्ट नहीं होता है. रफेस डाइजेशन हेल्प करता है, हेल्प इन डाइजेशन डाइजेशन. अगर हम देखें तो इट्स बी करेक्ट और इट्स सक्सेस जानते हैं. रफेस का होता है जैसे जो रखते कच्चे चीज का कमूल हो गया, और अगर कच्चा हम कुछ भी करते हैं तो रफेस का वर्क करता है. ठीक है, बैलेंस डाइट. डियर स्टूडेंट्स, बैलेंस डाइट क्या होता है इसको समझने के लिए. बैलेंस जैसा शब्द होता है संतुलित, संतुलन होना चाहिए भोजन में, डाइट में सहारा.
की बैलेंस, अगर डिस बैलेंस है तो हम भी डिस बैलेंस हो जाएंगे, राइट। अगर ज्यादा से ज्यादा फैट खाएंगे तो फैट हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ भी पाया यूज करेंगे तो एक्सेस नहीं हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सेस इज बैड एवरीवेयर, एक्सेस इज बैड एवरीवेयर, अधिकतर किसी चीज की अधिकता बहुत हर जगह बुरी होती है, इसलिए एक्सेस हमें ज्यादा से ज्यादा एक्सेस चीजें नहीं लेना चाहिए अपने लाइफ में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वहां जो वो प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए, राइट। तो राइट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट इज नोन एज बैलेंस डाइट, इसको हम बैलेंस डाइट कर रहे हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, देखो यहाँ पर बैलेंस डाइट का एक मुझे उदाहरण दिया है, और एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट भी जरूरी होता है। वी हैव लर्न दैट बैलेंस डाइट इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। बैलेंस डाइट देयर आर टू थिंग्स व्हिच हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड स्ट्रांग एंड एक्टिव एंड एनर्जेटिक, दे आर एक्सरसाइज एंड रेस्ट, वी मस्ट डू डेली। एक्सरसाइज एंड हेल्थ और कोरिलेटेड, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड हेल्थ विदाउट रेगुलर एक्सरसाइज, बिना रेगुलर एक्सरसाइज के हम जो अच्छे हेल्थ भी ऐसा नहीं कर सकते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज एंड प्रॉपर रेस्ट, वी मस्ट टेक स्लीप प्रॉपर स्लीप, यदि हम केवल एक या दो घंटे अगर सोते हैं तो नींद में आ जाएंगे। Dear students, here we shall talk about the sensory diseases. In case कमी के कारण जैसे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है या अधिकता होती है, उससे हमें जो सेंसरी डिसीजेज होते हैं, इफ अवर फूड डज नॉट कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट फॉर ए लॉन्ग टाइम और लंबे समय से, इट मे रिजल्ट इन ए डिसीज। ए डिसीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द फूड इज कॉल्ड सेंसरी डिसीज। कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। चिल्ड्रेन डू नॉट ग्रो वेल, इसमें चिल्ड्रेन जो अच्छे से बढ़ते हुए थीनर एंड वीकर दिखते हैं, चिल्ड्रेन लुक डल एंड अनइंटरेस्टेड दिखते हैं, देयर ग्रो वीक एंड थिन, उनके हेयर जो है वीक हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, देयर आर लूज स्किन एंड सनकेन आईज, उनके सी हुई आंखें होती हैं, दे मे हैव स्वेलिंग ऑन द बॉडी, बॉडी में उनकी स्वेलिंग आ जाती है, सूजन, देयर फेस एंड बॉडी आर आल्सो स्वेलन, उनके फेस और बॉडी भी सूज जाते हैं, पेट निकल जाता है, आप देख सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, देखिए विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, नाइट ब्लाइंडनेस रात का अंधापन या बड़ा अंधकार से करते हैं। चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज डिम लाइट में मौसम बहुत कम देख पाते हैं, और वेरी वेरी भी एक रोग होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी में कॉजेज वेरी वेरी डिजीज, स्किन बिगिन टू क्रैक, इसमें स्किन जो है क्रैक होना शुरू हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है, और कॉर्नर ऑफ माउथ रेज और राह टंग होता है, अच्छा दिखता है, टंग से परेशान रह जाते हैं, स्कर्वी होता है, उनके मसूरों में गम और ब्लीडिंग होने लगती है, टीथ कमजोर हो जाते हैं, जबड़े एकदम जो जा होते हैं ढीले हो जाते हैं, जिससे दांत आसानी से निकल जाते हैं, और इस डिसीज को हम डिफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। तो स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी से होता है, रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, द चिल्ड्रेन सफरिंग फ्रॉम द रिकेट्स हैज बोन एंड क्रिस्टल लैग, बोन एंड क्रिस्टल लैग होता है इसे करके, और डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी में कॉज डिफॉर्मिटीज ऑफ अदर बोन्स इन द बॉडी, दिस इज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ मिनरल, सम डिसीजेज आर कॉज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ मिनरल, जैसे ग्वाइटर हो गया, आयोडीन की कमी होता है ग्वाइटर के कारण, डिफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, हमारे जो बोन्स हैं वीक होते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिस
क्वेश्चन से आप एडमिट कर दें ज्वाइन करने में तो हो गया। डियर स्टूडेंट आई हैव टॉट यू दिस चैप्टर, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल एंड ट्राई टू डू योर एक्सरसाइज योर सेल्फ एंड आई विल आल्सो सेंड यू इट फॉर यू आफ्टर डूइंग दिस। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।